You think you know me? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रेसलिंग हिंदी एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच गलती जो WWE ने साल 2021 में की है। तो कौन से गलती जो WWE ने साल 2021 में की है, तो वो जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो नंबर वन पर जो गलती आती है वो आती है कि एक ही मैच और एक ही सुपरस्टार को बार बार एक ही स्टोरी लाइन में घसीटना। जैसे कि आप सबको पता कि WWE रॉ एक ही सुपरस्टार को बार बार मैच लड़ाते रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो ड्रू मैकइंटायर बॉबी लेस्ली का लगातार 3 से 4 महीने से मैच हो रहा है। इसके साथ साथ सेमस की फ्यूड भी रिको से और हंबर कारलिलो के साथ ही चली जा रही है। ये भी एक काफ़ी बड़ी गलती है जो WWE कर रही है। और जो दूसरी गलती WWE कर रही है कि वो अपने काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार को कंपनी से रिलीज कर दे रही है। उन्होंने रेसलमेनिया 37 के बाद समोआ जो, ब्रॉन स्ट्रोमन, एलिस्टर ब्लैक और बडी मर्फी जैसे बड़े सुपरस्टार को भी कंपनी से रिलीज कर दिया। नॉर्मल सुपरस्टार को रिलीज करना एक बात समझ आती है कि वो कंपनी को कुछ फ़ायदा नहीं दिला पा रहे, लेकिन इतने बड़े बड़े सुपरस्टार को रिलीज करना WWE की काफ़ी बड़ी गलती है। जो तीसरी गलती WWE करी हुई है कि शार्लोट फ्लेयर को बार बार चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में डालना। फैंस इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि जब भी शार्लोट फ्लेयर रिटर्न आती है WWE उनको वीमेंस चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में डाल दिया करती है। और कुछ समय पहले शार्लोट फ्लेयर रिटर्न आई है और अभी उनका मैच रिया रिपली के अगेंस्ट हेल इन अ सेल में रॉ वीमेंस चैंपियनशिप के लिए फाइनल भी कर दिया गया है, जिससे फैंस खुश भी नहीं होते हैं, जो क्योंकि बार बार कंपनी शार्लोट फ्लेयर को चैंपियनशिप की में डाल देते हैं। जो चौथी गलती WWE ने इस साल की है कि ब्रॉन स्ट्रोमन और शेन मैकमैन का मैच करवाना, क्योंकि जब शेन मैकमैन इस बार रिटर्न आए उनका फ्यूड ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ स्टार्ट हुआ और इस फ्यूड में शेन मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमन को सबसे बेवकूफ़ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों के बीच रेसलमेनिया 37 में मैच भी हुआ जहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन ने शेन मैकमैन को हरा दिया था, लेकिन इससे ब्रॉन स्ट्रोमन को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि इससे पहले वो WWE चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन में थे, लेकिन उनको तुरंत उस स्टोरी लाइन से हटाकर शेन मैकमैन की स्टोरी में डाल दिया गया था। यह भी एक WWE की गलती। और जो फिफ्थ थिंग WWE ने साल गलत की वो कि द हार्ट बिजनेस को तोड़ देना, क्योंकि हार्ट बिजनेस में सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन, MVP और बॉबी लेस्ली हुआ करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और जिसके कारण शेल्टन अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन को इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस ग्रुप के चार मेंबर्स में से तीनों मेंबर्स पास चैंपियनशिप थी, जैसे कि बॉबी लेस्ली पास WWE चैंपियनशिप और शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर पास रॉ टैग टीम चैंपियनशिप थी, लेकिन इस ग्रुप को तोड़ना WWE की एक बेवकूफ़ी थी। तो दोस्तों, ये थे ऐसे पांच गलती जो WWE ने इस साल की जो WWE को नहीं करने चाहिए था। तो अगर आप इस पॉइंट से अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।